क्या हाल है ब्रो? अगर तो आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि अगर आप मेरा भी हाथ काटेंगे तो खून तो नहीं निकलेगा बाहर, क्रिकेट का पैशन बाहर निकलेगा। तो कंसिडरिंग कि भाई इतना कूट कूट के पैशन भरा हुआ है क्रिकेट का, सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप पे जाया जाए या ना जाया जाए। आई थिंक कंसिडरिंग कि इतना पैशन है तो डेफिनेटली जाया जाए, मतलब सवाल कैसे उठता है? सवाल तो नहीं उठता, जाया जाए, डेफिनेटली जाया जाए। और उसके अलावा स्पेशली इस बार वर्ल्ड कप पे जाने के 2 से 3 रीजंस और हैं। एक तो भाई पहली बात की वर्ल्ड कप है, इससे बड़ी चीज़ दुनिया में क्या होगी एक क्रिकेट फैन के लिए, मुझे आप बता दें तो मैं नहीं जाऊंगा, आप बता दें बता दें। नंबर 2, इंग्लैंड में, वंस अगेन अगर आप मुझे पहले से फॉलो करें तो आपको पता ही है कि भाई के लिए इंग्लैंड दिल के अंदर कितना ज़्यादा क्रेजी है। इंग्लैंड में मैं रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल और आई ऑलवेज रिगार्ड देम एज वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग, वन ऑफ द मोस्ट हाईली इंजॉयबल टाइम्स ऑफ माई लाइफ। तो इंग्लैंड की जब बात आती है तो भाई का दिल थोड़ा सा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये वर्ल्ड कप की बात है तो मेरी पिछले कुछ 7-8 महीने से ऊपर ऊपर प्लानिंग चल रही है, तो साथ साथ मेरे दोस्तों की भी प्लानिंग चल रही थी और मोस्ट प्रॉबली मेरे कुछ करीबी दोस्त जो मेरे साथ इंग्लैंड में हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, वो लोग जा रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। ये एक और रीज़न है भाई, जाओ 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 वर्ल्ड कप पे, जाओ जाओ। तो कंसिडरिंग के इतने ज़्यादा और इतने कमाल कमाल रीजन्स हैं वर्ल्ड कप पे जाने के, आपका भाई एट दिस मोमेंट एट दिस पॉइंट विच इज़ 2 AM एट सम डे, दिन नहीं याद क्या आज दिन क्या है, बट 2 AM आपका भाई फुल मेहनत कर रहा है कि मैं किसी तरह वर्ल्ड कप पे चले जाऊँ। फुल मेहनत, ऑब्वियसली मुश्किल बहुत है इंग्लैंड में, कोई दुबई में तो है नहीं, तो मेहनत मेरी इतनी चल रही है कि मैं इतनी कोशिश चल रही है कि अगर मैं आपको बताने पे आऊँगा तो फिर आपको थीसिस लिखना पड़ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा मसला है, वो मसला ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने क्रिकेट की कोई भी टूर्नामेंट अटेंड की है वो मैंने करी है PSL, और आपको पता ही है मैंने PSL जिस तरह अटेंड करी थी, या तो बंदा एज अ स्पेक्टेटर अटेंड करे वो अलग बात है, मतलब एक दो मैच देख के आ जाए वो अलग सीन है, लेकिन मैंने जिस तरह PSL अटेंड की थी आपको पता ही है, मतलब मेरे ख्वाब फट के सड़क पे आ गए थे। इतना कमाल सीन हुआ था, इतना कमाल मैंने एक्सपीरियंस किया था और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊं, तो उसने ना मेरी आदत थोड़ी बिगाड़ दी है, उस PSL ने मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं। इस तरह नहीं बिगाड़ी कि मतलब मैंने अब हर टूर्नामेंट को उस तरह ही देखना है, हर टूर्नामेंट स्टेडियम में जाना है, हर टूर्नामेंट में मैंने इतनी कमाल चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, ना 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 ना, इतने भाई मुझे पता है कि ज़मीन पे रहो बेटा, इतना उड़ने का सीन नहीं हो रहा, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अगर तो मैं वर्ल्ड कप पे जाता हूँ तो मैं एज अ नॉर्मल स्पेक्टेटर एक दो मैच देखने, भले वो कितने भी कमाल मैचेस हो, मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा बिकॉज अगर मैं वो करता हूँ तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा मकसद जाने का ये है कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करूँ, कोई एक ऐसा वहाँ पे आइडिया लेके जाऊँ और उसको मैं आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आप लोग मेरे साथ जर्नी का पार्ट बन सके, मैंने अकेले नहीं करना। अकेले तो मैं ज़िंदगी में करते ही रहता हूँ, इंसान करते रहता है, बट अब जब मैंने ये जब से मैंने चैनल शुरू किया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सबको अपने साथ जो मैं चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो जो मैं कमाल चीज़ें देख रहा हूँ उनको मैं आपको दिखाऊँ और आपको उनका पार्ट बनाऊँ। तो ये अगर मैं एक दो मैच देखने चला गया, टिकट विकेट ले लिया, तो उस पर मज़ा नहीं आएगा। तो वर्ल्ड कप पे अगर जाना है तो एक कोई मकसद साथ लेके जाना है कि मैंने वहाँ पर ये बनाना है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को इस चीज़ का पार्ट बनाना है, वरना नहीं जाना। लेकिन जाना तो है तो आइडिया भी सोचना है, और सबसे कमाल बात यह है कि मैंने एक आइडिया सोचा है, एक चीज़ मैंने सोची है, एक विजन मैंने सोचा है जो मैं मर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जिस तरह मैंने डियर PSL 4 एक वीडियो बनाई थी, सिमिलर टू दैट लेवल ऑफ वीडियो मैंने एक चीज़ और सोची है जो मेरे दिल की गहराइयों के समुंदरों से डाइव मार के बाहर निकली है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि फिर अगर हम वर्ल्ड कप गए साथ तो हम वो चीज़ साथ एक्सपीरियंस करेंगे। अब वो चीज़ क्या है, सवाल अच्छा है, मैं फुल 10 पॉइंट्स, सवाल बहुत अच्छा, देखते हैं बट अगली वीडियो में। एंड ऑन दैट नोट तकरिया।